हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आज बनाना शुरू करते हैं हम इंस्टेंट मोदक की रेसिपी। ये मोदक हम बिना चाशनी के, बिना मावा के और बिना किसी मोल्ड के बनाएंगे। बहुत ही इजी है इसे बनाना, तो चलिए इसे बनाना करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए होगा। हमें चाहिए होगा 100 ग्राम मिल्क पाउडर, आधा ग्लास दूध, 3 से 4 चम्मच चीनी के, इलायची पाउडर, 2 से 3 चम्मच घी और थोड़ा सा केसर मैंने गर्म पानी में भिगो के रख दिया है। अब हम एक मोटे तले की कढ़ाई लेंगे, उसमें मैं 2 चम्मच घी डाल दूंगी। हम देसी घी का ही यूज़ करेंगे। अगर आप देसी घी का ही यूज़ करोगे तो टेस्ट अच्छा आएगा। आप चाहो तो बिना स्मेल वाला कोई भी ऑयल भी ले सकते हो। अब हम इसमें दूध डाल देंगे। मैंने आधा ग्लास दूध लिया है, ये छोटा ग्लास है मेरा, तो ये लगभग आधा कप के करीब है। दूध को हम अच्छे से मिला लेंगे घी के साथ और उसके बाद हम इसमें अपना मिल्क पाउडर डाल देंगे। जैसे ही आप इसमें मिल्क पाउडर डालोगे तो इसमें गुठलियाँ बनने लग जाएंगी। आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है और इन सारी गुठलियों को डिज़ोल्व कर देना है। आप देखोगे कि धीरे धीरे ये दूध गाढ़ा होने लग जाएगा। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। अगर आप मीठा मिल्क पाउडर यानी कि स्वीटेंड मिल्क पाउडर का यूज़ कर रहे हो तो चीनी थोड़ा देख के डालिएगा। मैंने 4 चम्मच चीनी ली थी लेकिन मैंने इसमें 3 चम्मच ही चीनी डाली है। अब हम इसको अच्छे से चलाते जाएंगे और आप देखोगे धीरे धीरे गाढ़ा होने लग जाएगा। अब इसमें अच्छी से खुशबू आने के लिए हम थोड़ा सा 1 चुटकी के करीब इलायची पाउडर डाल देंगे, जिससे इसमें बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी। अब आप देख रहे हो ये दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया है। मैं इसमें 2 चम्मच घी और डाल दूंगी। घी से हमारा जो मावा है उसको जल्दी गाढ़ा होने में हेल्प मिलती है और साथ ही साथ हमारा मावा बहुत ही चिकना और सॉफ्ट बनता है। ये देखिए हमारा मावा जो है वो धीरे धीरे बनना शुरू हो गया है। इसको हमें थोड़ा और गाढ़ा करना है और इसे हमें टेस्ट करना है। थोड़ा सा हमने मावे का पोर्शन लेना है और उसे हथेलियों पर इस तरीके से बॉल बना के देखना है। अगर बॉल अच्छे से बन जाती है तो इसका मतलब आपका मावा अच्छे से बन गया है। अब चलिए इसे एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। ये देख रहे हैं आप, हमें इसी टेक्सचर का बिल्कुल मावा चाहिए। अब इसको अच्छे से फैला लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। हमें इतना ही ठंडा करना है कि हमारे हाथ सहन कर सके जब हम इसके मोदक बनाएंगे, तो हमें ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। अब हाथों को थोड़ा सा चिकना कर लेंगे घी लगाकर और थोड़ा सा मावे का पोर्शन लेंगे, उसको इस तरीके से गोल गोल करेंगे, उसकी एक बॉल बना लेंगे और फिर ऊपर की तरफ इस तरीके से प्रेस करते हुए उसे एक मोदक की शेप देंगे। ये देख रहे हैं आप, बहुत ही इजी है इसे बनाना। बिना मोल्ड के भी बहुत ही बढ़िया मोदक हमारे बनके रेडी हो जाएंगे। अब अगर आप चाहते हो कि आपके मोदक में वही इम्प्रेशन आए जैसा मोदक के मोल्ड में आता है, तो आप या तो टूथपिक ले लीजिए या फिर एक फोक की सहायता से इस तरीके से इसमें इम्प्रेशन बना लीजिए। ये देखिए इस तरीके से मैं अपने सारे मोदक बनाती जाऊंगी। ये देख रहे हो आप कितने बढ़िया तरीके से हमारे मोदक बन रहे हैं। और ये देखिए कितना इजी है ना इन्हें बनाना। आप भी गणेश चतुर्थी पे ये मोदक ज़रूर बनाइएगा और गणेश जी को भोग लगाइएगा। कितने बढ़िया मोदक हमारे बन के रेडी हो गए हैं। अब हमने जो केसर भिगो के रखा था थोड़ा सा पानी में, वो थोड़ा थोड़ा अपने मोदक के ऊपर इस तरीके से डाल देंगे, जिससे इसमें बहुत ही सुंदर सा कलर आएगा और मोदक हमारे देखने में और ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और लीजिए हमने सभी मोदक पे थोड़ा थोड़ा केसर के धागे भी लगा दिए हैं, जिससे ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और ये लीजिए हमारे मोदक बनके बिल्कुल रेडी हो गए हैं, जिन्हें बनने में 10 मिनट का भी समय नहीं लगता और आप झटपट ये मोदक बना सकते हो। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो या आपके घर में किसी को नई नई रेसिपीज़ ट्राई करना अच्छा लगता हो तो प्लीज़ ये रेसिपी उनके साथ ज़रूर शेयर करना। और ये देखिए पास्ते में आपको दिखाती हूँ कितने बढ़िया मोदक बने हैं। और ये देखिए मैं इन्हें कट करके भी आपको दिखाती हूँ, ये कितने बढ़िया अच्छे से सेट हो गए हैं। बस मैंने इनको 10 मिनट के लिए ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर रख दिया था और ये बढ़िया से सेट हो गए हैं। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।